नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। सराफा कारोबारी नितेश अग्रवाल ठिकानों पर जीएसटी का छापा। एसजीएसटी विभाग ने लगाया 29 लाख रुपए का जुर्माना। शिकायत पर हुई थी जांच। आगरा के सराफा कारोबारी और सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर स्टेट जीएसटी की जाँच पूरी हो गई है। जाँच में बिल और भौतिक माल में अंतर पाया गया है, जहाँ जीएसटी ने करीब 29.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल का चांदी का कारोबार है। उनके यहाँ चांदी की पायल सहित अन्य आइटम बनते हैं। मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे जीएसटी की टीम उनकी नमक की मंडी स्थित गद्दी और बेलनगंज में प्रतिष्ठान पर जांच के लिए पहुंची थी। अपर आयुक्त ग्रेड ए मारुति शरण पांडे ने बताया कि किसी ने IGRS पोर्टल पर शिकायत की थी कि नितेश अग्रवाल के यहां पर बिना बिल के जेवरों की बिक्री की जा रही है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच कराई गई थी। जांच में माल के आय और व्यय और बिल बुकों का मिलान किया गया। लगभग 1946 किलो चांदी के जेवर, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 828 लाख रुपए है, कम मिले हैं। जहां इस आधार पर लगभग 29 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। खास रिपोर्ट देखिए। आगरा में सराफा व्यवसायी के यहाँ पे जो सर्वे हुआ था, उसमें क्या पाया गया था? कल आगरा में नितेश चेंस प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे IGRS से शिकायत प्राप्त हुई थी कि व्यापारी द्वारा जो है बिक्री के बिल नहीं जारी किए जाते। इस शिकायत की जांच SIB द्वारा कराई गई और कराने पर ये बात सही पाई गई कि व्यापारी द्वारा जो है बिक्री के परिप्रेक्ष्य में पूरे बिल नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि उनके उस समय जो स्टॉक लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया था, उसके सत्यापन करने पर लगभग 1,946 किलो चांदी के आभूषण कम पाए गए, जिसके संबंध में कर और अर्थदंड की कार्रवाई कराई जा रही है। लगभग 29,40,000 रुपये जमा होने की संभावना है। अभी भी कोई मतलब इस तरह का सर्वे चला जा रहा है कि शिकायतें आ रही हैं IGRS पे? जो IGRS पे शिकायतें प्राप्त होती हैं वो सर्वोच्च प्राथमिकता की शिकायतें होती है, जिनको जांच करके एक सप्ताह के भीतर पोर्टल पे अपलोड करना होता है। परिवाद की सत्ता की जांच की गई और इस संदर्भ में शिकायत सही पाई गई। जुर्माना जमा करने पर जुर्माना अब वो चूंकि व्यापारी के लेखा पुस्तकों में ही दर्ज जो स्टॉक था वो उससे अधिक नहीं पाया गया है। जो दर्ज था वो 60 स्टॉक पाया गया है। उस संबंध में कर और अर्थदंड का प्रावधान है, जिसकी कार्रवाई BNC इकाई द्वारा की जा रही है।